इन दिनों झारखंड में डेंगू अपना पैर पसार रहा है, ऐसे में धनबाद भी अछूता नहीं है। लेकिन धनबाद के स्वास्थ्य विभाग के पास डेंगू कंफर्म करने वाली किट ही नहीं है, जिस वजह से मरीज सरकारी अस्पतालों में आने के बजाय प्राइवेट अस्पतालों की ओर रुख कर रहे हैं। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के अनुसार महाराष्ट्र के पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी की ओर से एलाइजा रीडर किट मुहैया कराई जाती है, लेकिन ऑर्डर दिए जाने के बाद भी किट नहीं मिली है। वहीं सिविल सर्जन ने बताया कि किट के लिए ऑर्डर दे दिया गया है, जब तक किट नहीं आता है डेंगू के मरीजों को सस्पेक्ट के तौर पर ही उपचार किया जा रहा है। दूसरी जगह चला गया, अब हम अगला आने का इंतजार कर रहे हैं, हमेशा कॉन्टेक्ट में है। अगला किट पुणे से आएगा, हमको उठा करके आपको रख लेना। तो सर उस किट का काम क्या होता है सर? वो किट जांच करके कंफर्म करेगा कि जिसको सस्पेक्ट किया गया है उसको डेंगू है कि नहीं। कंफर्मेशन होगी सर? कंफर्मेशन अभी फिलहाल कैसे भी हो पा रही है, अगर किट नहीं है तो कंफर्म नहीं हो पा रहा है। यहाँ NS1 वाले को सस्पेक्ट में ही रख करके सस्पेक्ट में ट्रीटमेंट की जा रही है। वो तो सेंटिनल हॉस्पिटल बहुत पहले से डिक्लेयर है आपका मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, और वार्ड बना दिया गया है, डॉक्टर और स्टाफ डिप्यूट कर दिए गए हैं, जिसे सुप्रिंटेंडेंट साहब का भर्सन है कि 4 मेल बेड 4 फीमेल बेड डिक्लेयर कर दिया गया है। उसके लिए डील करने वाले को चिन्हित कर दिया गया है। देखिए प्रत्येक दिन शाम को पता चलता है कि आज पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इसलिए हम लोग डेली कांटेक्ट में हैं। जब क्या ना हमारा पहुंचा नहीं पहुंचा, अगर शाम को पता चलेगी हमारा तुरंत उठा उसमें।